टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है। एफबीआर का यासर ब्रोस्ट एमएम आलम रोड पर छापा, रेस्टोरेंट से सेल्स परचेज का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मजीद बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर बताइएगा। एफबीआर की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें एफबीआर ने एमएम आलम रोड पर वाकया यासर बोस पर रेस्टोरेंट पर छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए है। जराया के मुताबिक ये यासर बोस रेस्टोरेंट है, ये एक ही एंट्रेन पर 2 से 3 कारोबार कर रहा था, जिसकी वजह से एफबीआर को ये अपनी सेल्स जो है वो भी सही तरीके से जाहिर नहीं करता। जिस पर एफबीआर ने ये छापा मारकर तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया है, जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया उसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फाइलें और उसके साथ सेल्स परचेज और चेक उसके तमाम समेत तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है। जराया के मुताबिक इसके तमाम रिकॉर्ड की जो छानबीन करने के बाद उसका टैक्स का तमीना लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि ये कौन कौन से कारोबार कर रहा था, जबकि एंटियन तो एक था और 3 कारोबार कर रहा था, जिसमें इसका रेस्टोरेंट था और टेकअवे का और इसके साथ साथ कैटरिंग का कारोबार किया जा रहा था। जो है एफबीआर को जो है वो इनकम टैक्स में एक ही एंटियन दायर किया जा रहा था, उसके ऊपर 3 कारोबार कर रहा था, जिस पर एफबीआर ने यह कार्रवाई अमल में लाई। और एफबीआर का कहना है कि इसमें उनका सेल भी देखी जाएगी कि जो एफबीआर को सेल दायर कर रहा था वो कितनी थी और जो तीनों कारोबार की इनकी सेल है वो कितनी है, इसका तमाम जो कारोबार है उसका मुवाजना किया जाएगा, उसके बाद इसका टैक्स का जो है तखमीना लगाया जाएगा और उनसे रिकवरी अमल में लाई जाएगी। जी एफबीआर ने यासर ब्रोस पर छापा मारा है। शुक्रिया शबीर हैदर।